तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के एक टेक्स्ट बुक जो कि हिंदी में है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप लोग का बहुत सा कमेंट आ रहा था कि क्या जो मेडिकल ब्रांच की बुक होती है वो टोटल इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, नहीं, हिंदी में भी बहुत ही अच्छी अच्छी बुक हैं, जो कि उसमें से एक ये भी बुक है जो कि ये डॉक्टर ए के शर्मा की है, टेक्स्ट बुक है फार्माकोलॉजी की है, बहुत ही अच्छी बुक है। लाइक अगर आप यहाँ पे फार्मेसी में सही से स्टडी नहीं कर पाए हैं या फिर आप फार्मेसी में कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी को समझने में आपको दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में, तो आप हिंदी में भी समझ सकते हो और काफ़ी अच्छी बुक है। लाइक यहाँ पे अगर आप जो डी फार्मा या फिर बी फार्मा करते हैं तो जो भी आपका फार्माकोलॉजी का बुक है उसका जो भी सिलेबस है सभी सिलेबस इसमें आपको मिलेगा, साथ में जैसा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे जाता है, कैसे काम करती है मेडिसिन, जो भी सब है जो कि फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, और तो ये सभी चीज़ इस बुक में जो है कि आपको मिल जाएगा इस बुक में। और खासतौर से बात करें तो जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक है, जैसे कि लाइक हिंदी में यहाँ पे आप सभी चीज़ के बारे में समझ जाएंगे, लाइक कि मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कैसे वर्क करती है, कैसे कुछ नहीं करती है, तो ये सब जो सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो आपका डी फार्मा या फिर बी फार्मा का सिलेबस है। लाइक कि जो अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं या फिर इंग्लिश में आप नाम सुनेंगे के डी त्रिपाठी का जो बुक वगैरह आती है बहुत ही अच्छी रहती है। लाइक कि यहाँ पर जो है कि फार्माकोलॉजी की बात करें तो भाई उतना अच्छी तो हम नहीं कहेंगे कि लाइक जो के डी त्रिपाठी है उससे बेटर ये बुक है, उससे बेटर नहीं है वो, भाई मतलब अलग ही चीज़ हो गया कहीं ना कहीं, एक नहीं कहते वो एक अलग पीस है। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में लेना तो के डी त्रिपाठी का भी बुक ले सकते हैं, इधर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें तो मतलब बताना ही नहीं यार कि क्या है क्या नहीं है के डी त्रिपाठी के बारे में बात करें तो। लेकिन अगर हाँ आप हिंदी में चाहते होंगे समझना और सिंपल सरल भाषा में तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, ये भी बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं लाइक कि अपने डेली रूटीन में यूज के लिए चाहते हैं बुक, तब पर भी ले सकते हैं, आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल ये बुक रहेगी। अब बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं इसका रेटिंग वगैरह, इसमें क्या कुछ कंटेंट है सभी चीज़ के बारे में। तो ये कुछ रहा फ्रेंड्स इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।